Hello friends, welcome back to the HST 10 8 weeks program. Hypertrophy strength and tempo training बहुत ही amazing आज का दिन होने वाला है क्योंकि आज हम लगाएंगे back. The posterior chain of your body बहुत ही important muscle group है ये जिसको hit करना बहुत ज़रूरी है. और आज आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैं बहुत बार repeat कर रहा हूँ which is called the rest period. किस तरीके से हम HST 10 में rest period का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे intensity increase हो रही है, कैसे आपके cardiovascular system को push मिल रहा है, आज आपको सीखने को मिलेगा. So as I always say, dumbbell का आशीर्वाद नहीं लेना है, गदर मचानी है. Alright, let's go. So, आज हम लगाने वाले हैं बैक. और बैक लगाने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है. कैट स्ट्रेच, काउ स्ट्रेच आप देख सकते हैं यहाँ पे. शोल्डर मोबिलिटी वर्क, लोअर बैक को स्ट्रेच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे वार्म अप को एग्जीक्यूट करना. जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं लेग रेजेस में परफॉर्म कर रहा हूँ ग्लूट हैमस्ट्रिंग लोअर बैक एक्टिविटी के लिए, बिकॉज हम डेडलिफ्ट परफॉर्म करने वाले हैं. उससे पहले ओवरऑल आपकी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों ही वार्म और मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से आप लेग रेजेस लगा सकते हैं. नाउ पेल्विस मोबिलिटी के लिए आप फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं. उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे सुपरमैन. अगेन आपके लोअर बैक की मोबिलिटी के लिए, वार्म करने के लिए पूरी तरीके से लोअर बैक एंड अपर बैक. नेक स्ट्रेचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. रेजिस्टेंस बैंड का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है शोल्डर मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. शोल्डर जॉइंट यानी कि ग्लेनोहिमरल जॉइंट को भी मोबाइल करना बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से आप रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे अपने रोटेटर कफ मसल्स और रेयर डेल्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए ताकि किसी भी तरह की इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हो जाए. Alright, तो अब हम चल रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ विच इज बारबेल डेडलिफ्ट. इसके हम तीन वर्किंग सेट लगाएंगे. वर्किंग सेट लगाने से पहले आप वार्म अप सेट्स जरूर लगा लें, चाहे वो बारबेल से हो या वेट बढ़ा के. वेट का सिलेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने करना है कि ऐसा ही वेट सेलेक्ट करना है जिसके आपके सिर्फ 10 रेपिटेशन आए फॉर कॉन्सेंट्रिक फेलियर. यानी कि आप 1 रैप मैक्स का यहाँ पे 70-80% वेट लगा सकते हैं. प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा, 40-50% आपको अपनी सिर्फ HST 10 वाली एक्सरसाइज में ही लगाना है. बाकी की एक्सरसाइजेज आपकी हैवी वेट ही रहेंगी विद गिवन रेपिटेशंस. सो ये हमारा पहला वर्किंग सेट है यहाँ पे. जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही कंट्रोल मैनर में डेडलिफ्ट को लगाना है. आइडिया ये है कि हमारे अपर बैक से लेकर ट्रैप मसल्स, लैट्स, सारे के सारे मसल पार्ट्स इंगेज हो, साथ ही साथ हमारे हैमस्ट्रिंग और लेग ड्राइव जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेग्स भी इस्तेमाल हों. इन बिटवीन द सेट्स आप यहाँ पे 60-90 सेकेंड के बीच में रेस्ट लेंगे और पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट वर्किंग सेट लेंगे. इस तरीके से आप बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें यहाँ पे क्योंकि एक हैवी लेफ्ट मूवमेंट है. और कोशिश करिए कि आपका फॉर्म और टेक्निक ख़राब ना हो. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि आप डेडलिफ्ट को बिल्कुल कंट्रोल मैनर में परफॉर्म करते हुए, यानी कि जर्क नहीं करेंगे, बाउंस नहीं करेंगे प्लेट्स को नीचे, पूरा ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर से लिफ्ट करेंगे. गाइस पहली एक्सरसाइज लगाते हुए आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि अपने रेपिटेशन रेंज को ज़रूर टच करें. 10 मींस 10. लास्ट के फ्यू सेट्स में हो सकता है कि आप 10 रेपिटेशन अटेम्प्ट ना कर पाएँ, पहुँच ना पाएँ वहाँ तक, बट दैट्स परफेक्टली फाइन. एज लॉन्ग एज आप कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जा रहे हैं ये इफेक्टिव रहेगा. So ये हमारा लास्ट वर्किंग सेट है. इसमें हमारा एम रहेगा 10 repetitions, बट फटीग होने के साथ साथ हम 10 repetition अचीव नहीं कर पाएंगे, बट दैट्स परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज आप कॉन्सेंट्रेट फेलियर तक जा रहे हैं. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same. Told me I won't make a name, but it's
it's not about the Okay, so our second exercise is HST 10 exercise, which is bend over barbell rows, जिसको हम टेम्पो में लगाएंगे 1-1-1-1. ध्यान रखिए यहाँ पे वेट का सिलेक्शन आपको 40-50% ही करना है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन को एक सेकेंड के लिए और स्ट्रेच को एक सेकेंड के लिए होल्ड करना है. और एग्जैक्टली 30 सेकेंड के बाद आप अपना दूसरा सेट लगाएंगे. बेंड ओवर बारबेल रोज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर बैक, मिड बैक और लोअर लैट्स को टारगेट करने के लिए, और इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं कंट्रोल फॉर्म में, कंट्रोल मैनर में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बन जाती है. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too. Okay, so this is my last working set. और बहुत ही कंट्रोल मैनर में जैसे आपने पहला सेट लगाया था वैसा ही आपका लास्ट सेट भी होना चाहिए. इन बिटवीन द एक्सरसाइज आप रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर पूरी तरीके से मसल फटीग हो गया है तो आप होल्ड करके रेस्ट भी कर सकते हैं टू फिनिश योर 12 रेपिटेशन मार्क. Now we are moving on to the next exercise, जो हमारी back के लिए है, जो है close grip lat pull down. ये बहुत ही amazing exercise है guys. इसके हम 3 working set लगाएंगे, जिसमें आपकी repetition range रहेगी 12-15. और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये लोअर लैट्स को ज़्यादा टारगेट करेगी आपके, और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same, told me I won't make a name. इन बिटवीन दी एक्सरसाइजेज आप पोजिंग जरूर करें ताकि आपके बैक मसल्स में मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप हो. सो हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज वाइड ग्रिप केबल रोज. अगेन जिसके हम 3 सेट्स लगाएंगे विद द सेम वेट. Repetition range हमारी रहेगी 15. In between the sets हम rest लेंगे 60 seconds का. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody can drain my energy, and I will never stop. I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work nonstop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a. ये exercise जो हम लगा रहे हैं ये mid back और लोअर लैट्स को टारगेट करने के लिए, साथ ही साथ आपकी अपर बैक भी थोड़ी बहुत इसमें ट्रेन होती है, डिपेंडिंग कि आप एंगल अपने एल्बो का क्या रखते हैं. यहाँ पे मेरे एल्बो का एंगल थोड़ा सा नीचे है, डाउन है, तो मिड बैक और लोअर लैट्स यहाँ पे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं. Okay, so now we are moving on to the abs exercises, जो हम lying crunches लगा रहे हैं, और ठीक उसके बाद as a superset हम hanging knee raise करेंगे. ध्यान दीजिए गाइज, इस एक्सरसाइज में आप पूरी तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में लगाएं अपने एब्डोमिनल मसल, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने के लिए.
कंट्रोल फॉर्म में लगा के ही आप इस मसल को ज्यादा टारगेट कर पाएंगे। लेग रेजेस में बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपने लगाना है। कोशिश करनी है कि आपका जो हिप है वो पूरी तरीके से रोल हो और आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हो सके। साथ ही साथ आप थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं अपने लेग्स को ताकि आपके ओब्लीक्स भी ट्रेन हो। Alright guys, तो यहाँ पे हमारा बैक का वर्कआउट फिनिश होता है। I'll see you guys tomorrow on the arms day. Take care.